ऐसे एक दिन दोपहरी बुलाए ली और एक पांद घुंघरू की चेहरी लगाए ली और ये बुलाए ली और ये बुलाए ली और ये दोपहरी ना कसूर ना फतूर, बिना जुर्म के हजूर मर गए, वो मर गए। पहले पहली जो चीज जो देखने से बनती है या सुनने से बनती है वो है कि कसूर और फितूर नहीं, कसूर और फतूर। जैसे कि मैंने कहा कि ये लिरिसिज्म में एक मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि ये पूरा गाना जो है आप कह नहीं सकते हैं जब तक आप ढूंढेंगे नहीं, आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये एक उर्दू लिखने बोलने वाले, एक बेहद जो है जबान के नक्शे जो है पढ़ने वाले इंसान ने लिखी होगी, कह ही नहीं सकते कि ये गुलजार साहब ने लिखी होगी। और यही फन जो होता है, यही इनक्रेडिबल एबिलिटी जो होती है एक अच्छे लिरिसिस्ट के अंदर होती है। तो ना कसूर ना फतूर, बिना जुर्म के हजूर मर गए। अब किसान कह रहा है गाने में, सुखविंदर जी ये गाते हैं, मेल काउंटर पार्ट गाता है और कहता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई फतूर जो है चढ़ा हुआ है, तारी हुआ हुआ है कि मुझे किसी चीज के पीछे जो है भागम दौड़ करनी पड़ रही है और मैं बड़ी शदीदगी से बड़े जज्बे से उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो ना कसूर ना फतूर, एक आम इंसान कौन होता है? उसमें जो है कोई जुर्म करने की हिम्मत नहीं होती है और ना ही उसमें कुछ ऐसा कर गुजरने की हिम्मत होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा जज्बे की जरूरत हो, पैशन, यू नो दैट 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 फायरी पैशन। तो किसान कह रहा है कि मुझमें तो जो है फितूर भी नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, बिना जुर्म के हजूर मर गए, कोई जुर्म भी नहीं किया उसके बावजूद मारे गए। तो जैसे कि मैंने बताया कि खुदकुशी की बात और सुसाइड की बात, जो जहां पर किसानों को धकेल दिया जाता था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द वर्ज ऑफ यू नो फॉलिंग ऑफ द क्लिफ, कि आप एक ऐसे जो है मरहले पर आकर खड़े हो गए हैं कि जहां से या तो आर होना पड़ेगा या पार होना पड़ेगा और कोई जो है चारा ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो ना कसूर ना फतूर, बिना जुर्म के हजूर मर गए। उसके बाद फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो गाती है कि ओ ऐसे एक दिन दोपहरी बुलाए ली और एक पांद घुंघरू की चेहरी लगाए ली और ये बुलाए ली और ये बुलाए ली और ये दोपहरी लगाए ली और ये लगाए ली और एक चेहरी। अब इसमें लिरिसिज्म की बात तो हम समझ गए कि दोपहरी और कचहरी कैसे बिठाया गया है, लेकिन वो क्यों बिठाया गया है उसके पीछे एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन है। अब यहाँ पर अभी तक जितनी कहानी बनी है, यहाँ पर फीमेल काउंटर पार्ट ये क्यों कहती है कि बुलाए लियो रे दोपहरी, लगाए लियो रे कचहरी। अब एक तरफ देखा जाए तो ये एक बड़ा ही सेक्सुअल कॉनोटेशन के साथ वो कह रही है कि भाई मुझे बुला लियो और फिर देखेंगे कि घुंघरू बांधेंगे और फिर कचहरी लगाएंगे, अपनी खुद की एक कचहरी लगाएंगे। लेकिन आप देखिए कि अगर हम इसको फ्यूडलिज्म के एक स्ट्रक्चर से देखें तो उसका मानी क्या बनता है, क्या उभरता है कि एक किसान है और उसकी जो माशूका है या उसकी जो बीवी है, उसका जो पार्टनर है, वो उसको बोल रहा है कि मुझे बुला लियो दोपहर को। और एक एक असल गांव की बात हो रही है यहाँ पे कि असल गांव में जब एक कचहरी लगती है, एक पंचायत बिठाई जाती है, तो वहां पर किसान की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता क्योंकि किसान तो सबसे कमतर स्तर पर खड़ा हुआ एक वो इंसान है ना, जिसकी बात तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, जिसकी आवाज तो कभी बुलंद हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए इसको आप एक तंज के नजरिए से भी देख सकते हैं, एक सच्चाई को सतह पर लाने के नजरिए से भी देख सकते हैं। तो बांध घुंघरू कचहरी लगाए लियो रे, कि
घुंघरू एक औरत एक मर्द को कब बोलती है बांधने के लिए? वो तब बोलती है जब उसको तंज करना होता है, वो तब बोलती है जब उसे पता होता है कि इस आदमी में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये जो है सही का साथ दे सके। लेकिन यहाँ पर कचहरी के साथ वो घुंघरू बंधे हुए हैं, मतलब कि पंचायत जिसके पास गांव की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है और ताकत होती है, असल में उसकी सच्चाई क्या है कि वो सही का साथ तो कभी दे ही नहीं पाती है, वो एक इंसान की जिंदगी का मोल तो कभी समझ ही नहीं पाती है। राजनीति जो हुई, और राजनीति में एक आम इंसान की जिंदगी का तो कोई मोल ही नहीं होता, ये तो खाली फेर बदल का पैसे का खेल होता है। तो इसलिए बांध घुंघरू कचहरी लगाए लियो रे। उसके बाद एक हिस्सा आता है गाने में जो कहता है कि अंगीठी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी याद है। तो ये जो अलग अलग जो पैमाने आ रहे हैं, पेडेस्टल्स आ रहे हैं इस पूरे गाने में, पहले उसने क्या कहा कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, उसके बाद वो क्या कह रही है अंगीठी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी याद है। अब अंगीठी किसको कहते हैं ये आप मुझे बताएं कि अंगीठी किसको कहते हैं, और ये जो दो लाइनें हैं अंगीठी जलाई ले जिगर से पिया, इसका इस गाने में फिट होना कैसे बैठ रहा है, ये मैं चाहती हूँ कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से जो है लाइव पॉडकास्ट के जरिए या इस एपिसोड के जरिए कुछ बातचीत कर सकूँ। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इससे क्या समझ आता है जितनी हमने पहले बात की है। उसके बाद दूसरा अंतरा आता है और वो क्या कहते हैं, होना चक्कुआ की धार। अब ये जो अंतरा है ना, ये बहुत डायरेक्टली बता रहा है कि ये किसान की कहानी है। ना तो चक्कुआ की धार, ना दराती, ना कटार। चाकू होता है, जाहिर सी बात है कि चाकू की हस्ती किस चीज से बनती है कि वो आपको काट जाता है, वो आपको चीर जाता है, आपको जख्म दे जाता है। तो ना तो चक्कुआ की धार, ना दराती, ना कटार। दराती और कटार भी चाकू के जो है रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उसके वेरिएशंस होते हैं। ऐसा काटे कि दांत का निशान छोड़ दे। इसी के साथ मेरी ये कुछ अलग करने की कोशिश जो है, मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। आप सब मेरा सपोर्ट करते आए हैं, साथ देते आए हैं, सीखते आए हैं साथ में, हम सब साथ में सीखते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वृंदा हयात वे, और उसके अलावा मैं और बहुत सारी जगहों पर हूँ पर अनफॉर्चुनेटली एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कर्म रहा तो ज़रूर आप मुझ तक और मैं आप तक पहुँच पाएंगे। इसके ही साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार जब एक गाना सुनेंगे तो उसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे भी। सुखन जिंदा रहे, तहरीर भी जिंदा रहे।